सरकार भले ही मुफ्त राशन बांटने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मामला शेड्यूल का है, जहां पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल गरीब को राशन नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि कोटेदार शासकीय राशन दुकान नहीं खोल रहे हैं, जिससे गरीब आदिवासियों को दो दो माह से राशन नहीं मिल रहा है। कोटेदार की मनमानी के चलते लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। एक और जहां सरकार लोगों को मुफ्त राशन देने का कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके जो नुमाइंदे हैं वो लोगों को मुफ्त राशन देने की बात तो दूर, समय पर राशन की दुकान भी नहीं खोल रहे हैं। लोगों को समय पर समुचित राशन नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक शासकीय भंडारण केंद्र है, शासकीय उचित मूल्य दुकान है, जहाँ पे अभी भी ताला जड़ा हुआ है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जिससे लोग जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विभागीय अमला है या उनके नुमाइंदे हैं, वो शासन की इस योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। शहडोल से न्यूज़ 24 MPCG के लिए अजय अरविंद, नामदेव।